Hello and welcome to Untuition English. Today we are going to do the second poem of our Flamingo book of class 12th and second poetry. Its name is An Elementary School Classroom in a Slum by Stephen Spender. In this poem, the poet talks about the miserable condition of the children of these slums. इन स्लम स्लम्स यानी कि झुग्गी झोपड़ियाँ, और इन झुग्गी झोपड़ी में एक स्कूल है, एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम है, एलिमेंट्री यानी कि प्राथमिक विद्यालय है, और यहाँ पर जो स्लम के बीच में है, और इसके क्लासरूम को यहाँ पर पोएट डिस्क्राइब कर रहा है, और वो बता रहा है कि इन बच्चों की जो लाइफ है वो कितनी ज़्यादा पैथेटिक है, कितनी मिजरेबल है। चलिए शुरू करते हैं इस पोएम को। फटाफट ध्यान रखिएगा कि स्टीफन स्पेंडर जो पोएट है वो अपनी बातों को सिम्बल्स के थ्रू कहते हैं। बहुत सारे सिम्बल्स हैं, बहुत ध्यान से समझना होगा, पेंसिल ज़रूर ले लें अपने साथ। लेट्स बिगिन इट। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम बाय स्टीफन स्पेंडर। चलिए पोएम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप एक पेंसिल जरूर अपने पास ले लें, और कुछ कीवर्ड्स हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं उन्हें आप नोट कर लें। स्टीफन स्पेंडर जो पोएट है उन्होंने इस पोएम में जो बातें कही हैं वो बहुत डायरेक्टली नहीं कही हैं, वो बातें उन्होंने कुछ सिंबल्स और इमेजेस के थ्रू हम तक कन्वे करने की कोशिश की है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम उन सिंबल्स को अच्छे से समझ लें। यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स हैं जो मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये कीवर्ड्स एक बार आप ध्यान से देख लें। इन कीवर्ड्स को जब हम अपने आंसर्स में यूज करेंगे तो बेहतर तरीके से हम अपने आंसर्स को लिख पाएंगे। पहला कीवर्ड है पैथेटिक कंडीशन, यानी कि बहुत ही दयनीय हालात। जो स्कूल में बच्चे हैं इनकी कंडीशन कैसे बहुत ही दयनीय है। हंगर, भूख, यानी कि इनकी लाइफ की एक बहुत ही बड़ी जो एक प्रॉब्लम है वो क्या है, हंगर। मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण के शिकार हैं ये बच्चे। अटर पॉवर्टी, बहुत ही घोर गरीबी में ये बच्चे रहते हैं। होपलेसनेस, यानी कि कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद की किरणें नहीं है, किसी तरह की रोशनी, कोई भी पॉजिटिव साइंस नहीं है। वेग फ्यूचर, वही बात है, धुंधलापन। वेग यानी कि धुंधला, ठीक है। इनका फ्यूचर कैसा है, वेग है, ये क्लियरली उस फ्यूचर को देख नहीं सकते, चारों तरफ अंधेरा है। लिटरेचर में जब भी देखिए डार्कनेस यूज होती है, डार्कनेस अंधेरा सिर्फ नेगेटिव चीजों का सिंबल होता है, ठीक है। दुख, दर्द, तकलीफें, परेशानियां, मुश्किलें, उन्हीं सब का सिंबल है डार्कनेस। और एक और बात है, वो क्या है, फार फ्रॉम फन, एंटरटेनमेंट, प्रोस्पैरिटी एंड एजुकेशन। जी हाँ, ये तीन चीजें ध्यान से, ये बहुत जरूरी है। इन बच्चों की जो लाइफ है ये फन और एंटरटेनमेंट से, जीवन के आनंद से, जीवन का जो मजा है उससे बहुत दूर है। प्रोस्पैरिटी यानी कि समृद्धि नहीं है, खुशहाली नहीं है, और कोई इनको क्वालिटी एजुकेशन भी नहीं मिल रहा है। तो पूरी पोएम में पोएट यही तीन बातें बार बार अलग अलग सिंबल से हमें बताने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम यहां पर उन्हें अच्छे से समझ लें तो फिर पूरी पोएम समझने में भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन शुरू कर रहा हूं। आपने पेन पेंसिल जरूर रख लिया होगा, आप लिखते जाए। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस। इन बच्चों के, जो बच्चे उस एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम के अंदर बैठे हैं, वो स्कूल जो कि एक स्लम यानी कि झुग्गी झोपड़ी में है, वहां पर बच्चे कैसे हैं, उनके चेहरे कैसे हैं। पहली लाइन में ये बताया, फार फार फ्रॉम गस्टी, गस्टी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, स्ट्रॉन्ग वेव्स से ये बच्चे जो हैं बहुत दूर हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, हर बात सिंबल के थ्रू कही गई है, तो गस्टी यहाँ पर, वैसे तो गस्टी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, लेकिन यहाँ पर गस्टी का मतलब है कि लाइफ का जो फन और एंटरटेनमेंट है, फन एंड एंटरटेनमेंट ऑफ लाइफ, उससे बहुत फार है। फार मतलब दूर, ठीक है। और क्योंकि फार फार यहाँ पर रिपीटेडली दो बार यूज हो गया, तो रिपीटिशन यहाँ पर पोएटिक डिवाइस है, ठीक है। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन स्पेसेस, ये बच्चे जो हैं इनके जीवन जो है वो इनकी लाइफ में किसी तरह का फन और एंटरटेनमेंट नहीं है, इंजॉयमेंट नहीं है। लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टोन अराउंड देयर पेलर, और इनके जो सर पे बाल हैं वो कैसे हैं, बिल्कुल रूटलेस वीड्स की तरीके से हैं। वीड्स यानी कि अनवांटेड प्लांट्स, खरपतवार, पेड़ पौधे जो यूं ही कहीं भी उग जाते हैं। तो इनके जो बाल हैं वो बिल्कुल ऐसे इधर से उधर इनके चेहरों पर फैले हुए हैं। पेलर यूज होता है पीले रंग के लिए। तो इनके चेहरे जो हैं वो गरीबी और भूख की वजह से पीले पड़ चुके हैं, बीमारी का एक सिंबल होता है पीला रंग, ठीक है। तो उस पेलर पर, उनके पीले पड़ चुके चेहरे पर जो इनके बाल हैं वो बिखरे हुए हैं। तो यहाँ पर क्योंकि इसके बालों को कंपेयर किया है रूटलेस वीड्स से, ठीक है, निर्जीव
जो वीड्स हैं, खरपतवार हैं, उनसे कंपेयर किया है और लाइक वर्ड का यूज किया। जब भी लाइक वर्ड यूज हो और कंपैरिजन हो तो सिमिली होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर इसके बाद पोएट जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है रूम के अंदर बैठे हुए बच्चों को। तो आप अगर ध्यान देंगे तो चार बच्चे, जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको यहाँ पर रूम के अंदर चार बच्चे जो है वो क्लियरली पोएट ने लिखा है वो आपको नजर आ जाएंगे। सबसे पहला बच्चा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड। ये पहला बच्चा है, एक लंबी सी लड़की है और उसका सर झुका हुआ है। क्वेश्चन ये आता है कि लड़की का सर क्यों झुका हुआ है, तो आप लिख सकते हैं ड्यू टू द बर्डन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की बोझ के वजह से, ठीक है। इतनी ज्यादा गरीबी है तो उस गरीबी के बोझ से वो बच्ची जो वो दबी हुई है और इसका सर झुका हुआ है। द पेपर सीमिंग बॉय विद रैट साइज, आपको क्लियर पता चल रहा है यहाँ से दूसरा बच्चा की शुरू हो गया। द पेपर सीमिंग बिल्कुल इज लाइक अ थिन शीट ऑफ पेपर, बहुत ही कमजोर वो बच्चा है। और उसकी आंखें हैं कैसी हैं, चूहे जैसे, विद रैट्स आई। देखिए रैट्स आईज जब भी लिटरेचर में यूज होता है इट सिग्निफाइज ग्रीड एंड हंगर, लालच और भूख। चूहे को हम देखते हैं ना हमेशा वो इधर उधर कुछ खाने की चीजें ढूंढने के लिए भागता रहता है, ठीक वैसे ये बच्चा जो इसकी आंखों में भूख और लालच जो है वो क्लियरली नजर आ रहा है। अब यहां से शुरू हुआ द स्टंटेड अनलकी हायर, ये ध्यान से समझिएगा, ये तीसरा बच्चा है। स्टंटेड है यानी इसकी हड्डियों में गांठे पड़ी हुई, एक बीमारी होती है जिसे हम ग्नाल डिजीज बोलते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं आप ग्नाल डिजीज। तो ये जो बच्चा है इसको, ये बहुत अनलकी है, ये एक वारिस है, आयर मतलब वारिस, इसको संपत्ति में विरासत में अपने पिता से क्या मिला है, इसे मिल गई वो बीमारी, वो बीमारी जो एक फादर से कैरी फॉरवर्ड हो गई इस बच्चे में, वो बीमारी क्या है, ट्विस्टेड बोन्स की, मुड़ी हुई हड्डियों की, ठीक है। तो इस बेचारे, वैसे हम देखते हैं जो एक पुत्र होता है, जो एक सन है, वो अपने फादर से उसकी जो वेल्थ है, प्रॉपर्टी है, वो इनहेरिट करता है, वो उसका उत्तराधिकारी होता है। लेकिन इस बच्चे को, इस अनलकी बच्चे को क्या मिला है, इसे अपने फादर की वो जो ग्नाल डिजीज है वो उसे मिली, ठीक है। अब ये सेंटेंस देखिए, स्टीफन स्पेंडर के स्ट्रक्चर्स कुछ जगह अलग हैं, ठीक है। सेंटेंस बनाने का तरीका यहाँ पर ध्यान से देखिए, रिसाइटिंग अ फादर्स ग्नाल डिजीज हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, ठीक है। रिसाइटिंग का मतलब होता है पाठ पढ़ना, तो बच्चा जो है अपने पिता की उस बीमारी का पाठ पढ़ रहा है, अपना लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, यानी कि कहना ही चाह रहा है ये, अगर इस सेंटेंस को आप इस तरीके से देखें, द बॉय रिसाइटिंग अ फादर्स ग्नाल डिजीज की बजाय द बॉय रिसाइटिंग हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क। एक्चुअली वो पढ़ तो अपना लेसन ही रहा है डेस्क से, लेकिन देखने वाले को ऐसा लगता है जब वो उसके आड़े टेढ़े शरीर को देखता है तो उसका ध्यान जो है उस बच्चे के उस डीफॉर्म्ड बॉडी पर जाता है, ठीक है। तो ऐसा लगता है वो उस पाठ को नहीं पढ़ रहा, अपना लेसन नहीं पढ़ रहा, बल्कि अपने पिता से मिली हुई उस बीमारी का पाठ पढ़ रहा है। वो बीमारी ज्यादा दिखाई देती है, वो बीमारी पर ज्यादा सुनने वाले का ध्यान जा रहा है। तो ये हमारा तीसरा बच्चा था। अब यहाँ पर से फोर्थ बच्चा आ जाता है, एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग हिज आईज लिव इन अ ड्रीम। और क्लास के वो डिम क्लास डिम है, और वहां पर पीछे अननोटेड, किसी का ध्यान नहीं उस बच्चे पर, बहुत प्यारा सा है, छोटा बच्चा है, हिज आईज लिव इन अ ड्रीम, और उसकी आंखें एक सपना देख रही है, ऑफ स्क्विरल्स के, गिलहरी के खेल का, ठीक है, इन अ ट्री रूम अदर देन दिस। और वो गिलहरी का है, वो किसी पेड़ की खोखर में है, ट्री रूम बोलते हैं पेड़ की खोखर, जो पेड़ के अंदर जो गिलहरियां वगैरह या कुछ पक्षी जो हैं उसमें खाली जगह में अपना रहने का ठिकाना घर बना लेते हैं, उसको खोखर बोलते हैं इंग्लिश में, ट्री रूम, ठीक है। तो बच्चा जो है गिलहरी के खेल का सपना देख रहा है जो किसी पेड़ की खोखर में है, ठीक है, इन अ ट्री रूम अदर देन दिस। और वो जो रूम है वो ये क्लासरूम नहीं है, अदर देन दिस, वो रूम ये रूम नहीं है, ठीक है। तो रूम वर्ड जो है यहाँ पर दो मीनिंग्स है, एक रूम है ट्री रूम यानी कि कोकर, और एक रूम है क्लास रूम। तो वो जो बच्चा जिस रूम के सपने देख रहा है वो रूम ये नहीं, वो हरा भरा पेड़ जहाँ गिलहरियां खेलती होंगी वो संसार, वो रूम ये संसार नहीं है, इनका संसार वैसा नहीं है, ठीक है। तो एक ही रूम जो है वो दो चीजों के लिए यूज हो रहा है, ट्री रूम के लिए भी और क्लास रूम के लिए भी। तो जब इस तरीके से कोई एक वर्ड दो मीनिंग्स देता हो तो उसे हम पन कहते हैं, ये पोएटिक डिवाइस है पन, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, उससे पहले आपको एक पिक्चर दिखा दूं। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये क्लास, उनका वो जो क्लासरूम है उसी का एक सीन है, ये बच्चा बैठा है पेड़ की किसी, ये देखिए खोखर में, ट्री रूम में, किसी गिलहरी के सपने देख रहा है।
ये एक्चुअल में गिलहरी इस रूम में है नहीं, सिर्फ वो इमेजिन कर रहा है, सपना देख रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, ये इधर एक विंडो है, खिड़की है, यहाँ पर कुछ और चीजें भी दीवार पर हमें क्लियरली लगी हुई नजर आ रही हैं। तो अब जो पोएट है हमें यहाँ पर यही बताएगा कि ये जो क्लासरूम है, ठीक है, वो क्लासरूम कैसा है और उसकी दीवारों पर क्या क्या चीजें हैं। चलिए शुरू करते हैं। ऑन सो क्रीम वॉल्स डोनेशंस, जो दीवारें हैं वो कैसी हैं, क्रीम कलर की हो चुकी हैं। सोर होता है वैसे खट्टा, जो हमारे दूध की मलाई या क्रीम होती है वो कुछ दिन बाद वो खट्टी हो जाती है, उसमें पीले पीले धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक वैसे ही है जो दीवारें हैं इस पर धब्बे स्पॉट्स जो हैं, प्लॉट्स जो हैं वो जगह जगह नजर आ रहे हैं, ठीक है। और इन दीवारों पर क्या है, डोनेशंस है, डोनेशन यानी कि दान, जिस किसी ने भी कुछ जो कुछ था वो दे दिया, उन्होंने क्या किया, उन डोनेशंस को, दान मिले उन चीजों को क्लासरूम की दीवारों पर लगा दिया। क्या क्या चीजें हैं देखिए, शेक्सपियर सेट, एक शेक्सपियर का हेड है जो आप यहाँ देख रहे हैं, शेक्सपियर की एक फोटो है, क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, और ऐसा लग रहा है जो पीछे जो नजर आ रहा है शेक्सपियर की इमेज के पीछे, बिल्कुल क्लाउडलेस आसमान नजर आ रहा है, बिल्कुल साफ, कोई बादल नहीं है, ऐसा लग रहा है कि कोई सिविलाइज्ड लोग जो यहाँ पर कुछ सभ्य लोग जो हैं उनके शहर सिटीज जो है वो बसी हुई होगी, और ये जो खुला आसमान है बिल्कुल क्लाउडलेस साफ एकदम, ये उस सभ्य उस सिविलाइज सिटी के ऊपर इसे गुंबद की तरह से, डोम जिसे हम गुंबद कहते हैं, जिसे ताजमहल के ऊपर वो जो गोल चक्रा सा है हाफ, ठीक है, तो दैट इज डोम, ठीक है। तो ये डोम की तरह से वो आसमान नजर आ रहा है, बिल्कुल साफ सुंदर आसमान। बेल्ड फ्लारी टैरलीज वैली, टैरलीज वैली एक वैली का नाम है जो बेल शेप की है, घंटी के आकार की है, और फ्लारी है, बहुत फूल भरे हुए, बहुत सुंदर वैली है। और देखिए और क्या है वहां पर, एक ओपन हैंडेड मैप है, खुले हाथ से बनाया हुआ एक मैप है। खुले हाथ से क्यों कह रहा है, बिकॉज इट इज अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, ये जो मैप है यहाँ पर, इस मैप में इस संसार को, जो बाहर जो रियल वर्ल्ड है, संसार है, उसकी सारी अच्छी अच्छी चीजें इस मैप में दिखाई गई है, ठीक है। इस लाइन का एक्सप्लेनेशन आ जाता है, समझ लें, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, यानी कि इस मैप को असली वर्ल्ड की सारी अच्छी चीजें जो है वो अवॉर्ड की गई हैं, जो भी बिग एंड ब्यूटीफुल थिंग्स हैं वो यहाँ पर इस मैप में दिखाई गई हैं, ठीक है। इसीलिए कहा गया कि ओपन हैंडेड मैप है, बहुत ही जेनरस तरीके से, बहुत ही खुले दिल से इस मैप को बनाया गया है, जिसमें सब बड़ी और सुंदर जो चीजें हैं इस वर्ल्ड की वो यहाँ पर शो की गई। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड, ये देखिए बड़ी आयरनी है, पोएट कह रहा है, और फिर भी फॉर दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए, ये जो बच्चे जो क्लासरूम में बैठे हैं, इनके लिए ये खिड़कियां, क्लासरूम में लगी हुई जो खिड़कियां हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिन खिड़कियों से बाहर इन्हें क्या दिखता है, झुग्गी झोपड़ियां नजर आती हैं, क्योंकि स्कूल स्लम्स में है, बाहर क्या है, गंदगी के ढेर है, ठीक है। इन बच्चों के लिए इनका संसार वो है जो इन खिड़कियों से बाहर इन्हें नजर आ रहा है, ना कि वो संसार जो इस वर्ल्ड में, इस मैप में नजर आ रहा है, जिस मैप में वर्ल्ड की सारी सुंदर चीजों को, बिग एंड ब्यूटीफुल थिंग्स को शो किया गया है, ठीक है। ये लाइन ध्यान से समझ लीजिएगा। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड, इनके लिए इनका संसार ये खिड़की है, ये मैप नहीं, क्योंकि इनका असली संसार तो इस खिड़की से ही बाहर नजर आता है, जहां चारों तरफ भूख, गरीबी और गंदगी है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर इज पेंटेड विद द फॉग, जहां का पूरा फ्यूचर जो है वो किससे पेंट किया गया है, फॉग, फॉग यानी कि धुंध। धुंध की क्या क्वालिटी होती है कि हम धुंध के उस पार देख नहीं सकते, धुंधली होती है वो, राइट। सो ये बच्चे जो हैं ये अपने फ्यूचर को देख नहीं सकते, फ्यूचर इज पेंटेड विद द फॉग का मतलब क्या है कि देयर फ्यूचर इज वेग, देयर फ्यूचर इज नॉट क्लियर, देयर इज नो रे ऑफ होप फॉर देम, कोई उम्मीद की किरण उनके लिए नहीं है। अ नैरो स्ट्रीट, भीड़ी सी गली है जहां ये रहते हैं, सील्ड इन विद द लेड स्काई, और वो भी ऊपर से लेड यानी के काले आसमान से बंद है, कहीं से सूरज की किरणें जो हैं, जो होप की, उम्मीद की किरणें जो हैं, रोशनी, देखिए रोशनी हमेशा ही पॉजिटिव सिंबल होता है और अंधेरा नेगेटिव,
तो यहाँ पर सारी डार्कनेस की बातें कर रहा है वो, नैरो भीड़ी सी गली है और वो भी ऊपर से गहरे अंधेरे काले आसमान से बंद है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, बहुत दूर है ये नदियों से, नदियां केप्स से, केप्स होते हैं जो समुद्र के नीचे कुछ द्वीप होते हैं जो बहुत ही सुंदर होते हैं वहां पर जाने के लिए। कई बार डाइविंग के लिए जब जाते हैं हम सी के नीचे, जब कभी अगर आप कोई गए हो तो वहां पर आपने देखा होगा समुद्र के नीचे कुछ बहुत ही सुंदर द्वीप होते हैं जिन्हें अंतरीप बोलते हैं वो। तो ये बच्चे जो है ऐसे सुंदर चीजों से बहुत दूर है। एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड, स्टार्स ऑफ वर्ल्ड का मतलब यहाँ पर एजुकेशन से है, ठीक है। फिर बच्चे रिवर्स जो किस चीज का सिंबल है, प्रोस्पेरिटी का, केप्स जो किस चीज का सिंबल है, लाइफ के फन का, और स्टार्स ऑफ वर्ल्ड किस चीज का सिंबल है, एजुकेशन का। ये तीनों ही बातें मैंने आपको शुरू में ही बताई थी, और बार बार यही तीन बातें बताएगा कि वो प्रोस्पेरिटी से दूर है, वो लाइफ के फन और एंटरटेनमेंट से दूर है, और वो एजुकेशन से दूर है। तो वही बातें फिर से अलग सिंबल से पोएट यहाँ पर बता रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये जो सारी चीजें जो दीवार पर लगी हुई थी, जो डोनेशंस हैं, शायद आपने भी नोटिस किया होगा, ये चीजें इन बच्चों की लाइफ से बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पर इन चीजों का बच्चों के वास्तविक जीवन से कोई ज्यादा संबंध है नहीं। तो पोएट क्या कह रहा है, इसे श्योरली डेफिनेटली शेक्सपियर इज विकेड, शेक्सपियर जो है वो बहुत बुरा है। द मैप बैड एग्जाम्पल, और मैप भी एक बहुत ही बुरा एग्जाम्पल है। विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू सी, क्योंकि ये जो शिप्स हैं, जो सन है, और लव जो शेक्सपियर की जो किताबें हैं जिनमें प्यार के बारे में वो बातें करता है, वो तस्वीरें, वो इमेजेस जो वहां पर लगी गई हैं, वो मैप जिसमें शिप्स और सन दिखाए गए हैं, ये सारी चीजें इन बच्चों को टेम्प्ट करती हैं, उकसाती हैं सिर्फ चोरी करने के लिए। स्टील का मतलब है चोरी करना। ये चीजें इन बच्चों को सिर्फ चोरी करने के लिए उकसाती हैं, क्योंकि किसी भी तरीके से इनके पास वो रिसोर्सेस नहीं है कि ये इन चीजों को अपने लाइफ में कभी भी पा सकें। तो जब हम कोई चीज अपने रिसोर्सेस से नहीं पा सकते और हमें कोई ललचाए, तो हमारे पास सिर्फ एक ही चारा रह जाता है, उस चीज को चोरी कर लेना। तो इसीलिए पोएट कह रहा है यहाँ पर, इनडायरेक्टली पोएट ये बताना चाह रहा है कि ये जो बच्चे हैं जिनका जीवन में इन सब चीजों के लिए, ये जो बिग एंड ब्यूटीफुल थिंग्स है वर्ल्ड की, प्यार जो कि शेक्सपियर अपनी बहुत अच्छी राइटिंग्स में जिसके बारे में अक्सर बात करता है, ये सब चीजें की पहुंच जो है, बच्चों की पहुंच इन सब चीजों तक नहीं है, तो बच्चे इन चीजों को पा नहीं सकेंगे। तो वो सिर्फ और सिर्फ टेम्प्ट होंगे इन चीजों को गलत तरीके से पा लेने के लिए, ठीक है, चोरी करने के लिए। क्योंकि फॉर लाइव दैट स्लाइली टर्निंग देयर क्रैम होल्स, ठीक है, क्योंकि वो जीवन जो चुपचाप, स्लाइली मतलब सिक्रेटिवली, चुपचाप दुबक जाते हैं अपने क्रैम्ड होल्स में। क्रैम्ड होल्स मतलब इनकी झुग्गी झोपड़ियां, इनके स्लम्स। यहाँ पर भी आप इसको क्रैम्ड होल्स जो है ये मेटाफर है यहाँ पर, क्योंकि ये उनके जो झुग्गी झोपड़ियां हैं, जो स्लम्स में उनके जो घर हैं उसके लिए यूज हुआ है। तो यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस आ जाएगी ये होगी मेटाफर, ठीक है, मेटाफर ये पोएटिक डिवाइस यहाँ पर है। और फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, क्योंकि ये लाइफ जो चुपचाप दिबक जाती है अपने उन छोटे छोटे बिलों में, उन घरों में, वहां जहां पर वो धुंध से शुरू होकर इनका जीवन कभी खत्म न होने वाली रात में बदल जाता है। एंडलेस नाइट यानी कि इनकी जो तकलीफें हैं वो कभी, इनका जो लाइफ का जो डार्कनेस है, अंधेरा है, वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। ऑन देयर स्लैग हीप, और उन कूड़े के ढेरों पर, स्लैग हीप कूड़े का ढेर, दीज चिल्ड्रन वियर स्किन पीप्ड थ्रू बाय बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास। और यहाँ पर ये बच्चे कैसे रह रहे हैं, इनकी स्किन्स कैसी हैं, ऐसी हैं कि उनके अंदर से उनकी हड्डियां जो है बाहर झांक रही हैं, पीप थ्रू मतलब बाहर झांकना, बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं बच्चे। और इन्होंने चश्मे, स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील दे आर वियरिंग, आप इमेजिन करिए चश्मे कैसे हैं, स्टील के बने हुए, तो कितने भारी, अगेन एक मुश्किलों का एक सिंबल है वो, डिफिकल्टीज और हार्डशिप्स का एक सिंबल है। विद मेंडेड ग्लास लाइक बॉटल बिट्स, लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, और इनके जो ग्लास हैं वो कैसे बिखरे हुए हैं, जैसे कांच के अगर टुकड़े, कांच की बोतल को अगर जमीन पर फेंक के मारे पत्थर पर तो वो चकनाचूर हो जाएगी, और अगर उन टूटे हुए कांच के शीशे से जोड़कर अगर कोई ग्लासेस बनाए, कोई आंखों के चश्मे बनाएगा, तो ऑफकोर्स उससे कुछ दिखेगा नहीं। तो यहाँ पर फिर से बात वही बता रहा है कि ये जो बच्चे हैं
ये जिन झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं ये कुछ भी इन्हें नजर नहीं आता, इनका फ्यूचर जो बहुत ज्यादा वेग है, ठीक है, इनके लाइफ बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टीज से भरी हुई है। ऑल ऑफ द टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, उनका पूरा जो टाइम एंड स्पेस मिले उनकी पूरी लाइफ जो है वो उस धुंध भरे उस झुग्गी झोपड़ियों में ही बीत जाने वाली है, यही उनका जीवन है, ये जो झुग्गी झोपड़ियां स्लम है ये उनकी लाइफ है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम, तो पोइट यहाँ पर कह रहा है तो ये जो मैप है ना जिसमें सिर्फ ब्यूटीफुल चीजें दिखाई गई हैं, जिसमें सिर्फ बिग एंड ब्यूटीफुल चीजें, यहाँ पर धब्बे लगा दो, ब्लॉट्स लगा दो, और वहां वहां पर जहां पर ये झुग्गी झोपड़ियां हैं उस मैप पर इन झुग्गी झोपड़ियों को भी दिखाया जाए। इनडायरेक्टली पोइट जो है वो ये कहना चाह रहा है कि ये जो झुग्गी झोपड़ी है इन्हें खत्म किया जाए और इन लोगों को भी एक पीसफुल ग्रेसफुल लाइफ जो है वो जीने के लिए मिले। डूम, डूम का मतलब होता है कयामत। चलिए आगे चलते हैं। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, अभी लास्ट पैराग्राफ है और इसमें पोएट जो है गवर्नर और इंस्पेक्टर से अपील कर रहा है, अथॉरिटीज से अपील कर रहा है कि वो कुछ करें। अनलेस, जब तक गवर्नर इंस्पेक्टर और विजिटर्स उनको कैरम को एड्रेस करते हुए बोल रहा है दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, ये जो मैप है जो वर्ल्ड जिसमें बिग एंड ब्यूटीफुल चीज है, जब तक ये मैप इनका असली खिड़कियां नहीं बन जाता, यानी कि इन्हें इनकी खिड़कियों से बाहर यही सुंदर वर्ल्ड नजर नहीं आता जैसा कि इस मैप में है, और जब तक दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्ब्स, और जब तक ये खिड़कियां जो इनके जीवन के ऊपर किसी कब्र के पत्थर की तरह पड़ी हुई है, यानी कि खिड़कियां जिनसे बाहर उन्हें सिर्फ वो झुग्गी झोपड़े ही नजर आती है, जिन झुग्गी झोपड़ियों में इनका जीवन जो है वो बंधा हुआ है, फंसा हुआ है, ठीक है, जब तक ये लोग जब तक इनसे बाहर नहीं आ जाते, जब तक ये खिड़कियां इनकी टूट नहीं जाती और इन खिड़कियों से बाहर इन्हें वो असली संसार, वो सुंदर वर्ल्ड जब तक नजर नहीं आता, तब तक ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल द ब्रेक द टाउन, तब तक तोड़ते रहो इन पूरी झुग्गी झोपड़ियों को और पूरा शहर जो है ये तोड़ दो। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और इन बच्चों को दिखाओ वो हरे भरे खेत, जिन बच्चों ने जीवन में सिर्फ गंदगी के ढेर देखे हैं उन्हें वो हरे भरे खेत दिखाएं। अब आप देखिए पोएट ने शुरू में मैंने बताया था तीन चीजें हैं जो इन बच्चों की लाइफ में नहीं है, जिन सिंबल्स के अलग अलग सिंबल्स के थ्रू पोएट ने बताया, प्रोस्पेरिटी, फन एंटरटेनमेंट और एजुकेशन। ये कह रहा है अब तक देखो पूरी पोएम में अंधेरा, डार्कनेस, फॉग, इन्हीं का जिक्र था, अब कलर्स आ रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि लाइफ में भी कलर्स ऐड करो, ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे खेत, हरे भरे खेत हमें पता है सुख समृद्धि का प्रतीक है, प्रोस्पेरिटी के लिए। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अज्योर ऑन गोल्ड सैंड, और उनके जीवन में भी वो सुंदर रंग भर दो, एज्योर कलर होता है साफ नीला जो आसमान होता है उस कलर को एज्योर बोलते हैं, और गोल्ड सैंड सुनहरी जो मिट्टी के कण है, तो एक बहुत ही सुंदर एक सीनरी, एक इमेज एक क्रिएट करना चाह रहा है पोएट कि इनकी लाइफ में भी वो कलर्स जो फन और एंटरटेनमेंट के सिंबल हैं वो आ जाए, इनके जीवन में भी खुशियां आ जाए। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इन टू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, और इनकी जुबान को बेरोक टोक, रन नेकेड मतलब अनकवर्ड, यानी कि बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी कंडीशन के इन बच्चों को सबसे बढ़िया क्वालिटी एजुकेशन जो है वो इन्हें मिले। वाइट और ग्रीन लीव्स जो है ये यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन का सिंबल है। तो इसी तरीके से पोएट ने तीनों लाइनों में ये तीनों चीजें फिर से, प्रॉस्पेरिटी, फन, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन फिर से मांग के। और ये अब देख रहे हैं आखिरी लाइन, हिस्ट्री देयर्स हूज लैंग्वेज इज सन, पोएट फिर से कह रहा है कि इतिहास वही लोग लिखते हैं जिनकी भाषा में सूरज की तरह गर्मी होती है, इतिहास वही लोग लिख सकते हैं जिनकी लैंग्वेज में बहुत ज्यादा एग्रेशन होता है। तो ये बात पोएट उन विजिटर और गवर्नर से भी कह रहा है, इफ दे हैव टू डू समथिंग, इफ दे रियली वांट टू चेंज द लाइव्स ऑफ दीज पीपल, दीज चिल्ड्रन, तो उन्हें जरूर कुछ ना कुछ एग्रेसिवली कुछ स्टेप्स लेने होंगे, तभी वो लोग भी हिस्ट्री क्रिएट कर पाएंगे और तभी ये जो स्लम में रहने वाले जो बच्चे हैं ये भी एक बेटर लाइफ जी सकेंगे। इसी के साथ ये पोएम हमारी कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू, सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। थैंक्स अ लॉट।